इजाजत लूंगा इसी उम्मीद। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी का अगर आप लोगों को जवाब देना है, अगर जवाब देना है तो आपके पास एक ही हल है, चुनाव निशान बैट। बैट पे मोर लगाओ आने वाले चुनाव में, और बैट ही आपकी मदद करेगा। अगर बैट से खेलने वाला व्यक्ति पूरे दुनिया में हमारे पार्टी का नाम बढ़ा सकता है, जैसे उमरान मलिक हमारा जम्मू से एक लड़का निकलता है और पूरे देश के लिए खेलता है, इसी तरीके से इस कंस्टिट्यूएंसी का बच्चा बच्चा आने वाले वक्त में यहाँ आईएएस अफसर भी होगा, यहाँ का बच्चा केएस अफसर भी होगा, यहाँ का बच्चा हर वो नौकरी हासिल करेगा जो इससे पहले नहीं मिली है। जनाब जफर मनाल साहब, यहाँ मना साहब पहाड़ी एरिया में हम तहे दिल से हम आपका शुक्र गुजार हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया और मजीद देंगे, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्र गुजार करूँ। मुझे शुक्र गुजार करते एक बात याद आ गई, इस एरिया में उमर साहब आए थे, उमर साहब आए और उन्होंने कहा कि जो चावल आप खाते हो यहाँ के चूहे भी नहीं खाते हैं, और ना वो मैं आपके लिए वो चावल लाऊंगा कि जो किसी ने नहीं खाए हैं, ना वो चावल बदले ना ना उमर साहब आप जी हमको यहाँ पे दिखे। मैं आपको इस कार्टूनसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मनाज साहब उस लाश पहाड़ी के आगे 29 पंचायतें हैं, जो लाश पहाड़ी नजर आ रही है आपको, 29 पंचायतें बनी की उस तरफ से हैं, और 20 पंचायत ये है जहां से मैंने डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है, और यह हमारी सेंट्रल पंचायत है जहां से मलाल टुगेन हर तरह के जो मेरे वर्कर हैं वो तशरीफ लाए, और 1947 के बाद इस इलाके को हर फैसिलिटी से महरूम रखा गया। जनाब आपने आपको सुनकर भी हैरानगी होगी कि दो ब्लाकों को अंधेरे में रखा गया है, यहां के बच्चों को बिलावर से आप आए हैं, बिलावर से मतलब यहां से बिलावर पढ़ने जाना पड़ता है उनको, और यहां ऐसे ऐसे मेरे सामने हादसे हुए हैं, दो ब्लॉक जिसमें 20 पंचायतों में कोई अस्पताल नहीं है, मतलब 20,000 पब्लिक को अंधेरे में रखा गया है। यहां स्कूल है लेकिन यहां स्टाफ नहीं है, यहां छोटे छोटे अस्पताल है वहां फौज तलाश लोग चला रहे हैं। मैं यहां सवाल पूछता हूं उन पोलिटिकल पार्टियों ने जिनके डीडीसी भी आप यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे बात करने का मौका दिया, तो मैं फिर अपनी बात पर एंड करूंगा। आपसे रुख्सत लेने से पहले वोट को इज्जत दो, वोट की अहमियत को समझो, वोट को किसी भी गलत तरीके से मत दो, और उसका मैार एक ही कायम रखो, बंदा पढ़ा लिखा है, हाँ पढ़ा लिखा है, बंदा चोर तो नहीं, चोर नहीं, बंदा रिश्वतखोर तो नहीं, रिश्वतखोर तो नहीं, बंदा तकबरी तो नहीं, नहीं तकबरी भी नहीं, ये हिंदू मुसलमान कश्मीरी गुजर पहाड़ी का फर्क तो नहीं करता, तोड़ते वक्त नहीं करता, फिर वो नुमाइंदा है, जो शख्स तराजू हाथ में लेता है, जो शख्स तरकड़ी हाथ में लेता है, क्या तरकड़ी तोड़ते वक्त ये देखती है कि